राजु वृंदावन बिहारी लाल की जय। आय अपना सबके दोसर दिनक कथा में उपस्थित छे। हरि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भवतिवश्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भवतिवश्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि जाने गर्भधमात्मजसि गर्भधम। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। ओम पय पृथ्व्यांग पय औषधीषु पयो दिव्यांगे पयोद्या पय स्वती प्रदेश सन्तु मायमा। ओम विष्णुरलाटमसि विष्णु सन् ओम अग्निदेवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम मध्य शांति अंतरिक्ष भंग शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषध शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेवि शांति। प्रातः स्मरामि शरद बिंदु क्रज बल्लभं सदरत्न बन मकर कुंडल हार भूषां दिव्यायुधोर्जित सुनीलंग सहस्रहस्तां भक्तोपलाव चरणं भवति परेशां। प्रातः नमामि महिषासुर चंडमुंड विनाशने सुमसुर प्रमुख दैत्य विनाशकं ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीलां चंडी समस्त सुर मूर्ति मानेक रूपां। प्रातः समस्त जगतां दुरितापहं प्रिय संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां मया प्राम समाधि गम्यं परम विष्णु। ओम विश्वामि देव सवितर दुरितानि प्राशो यज्ञ भद्र तन्ना अशुभ। ओम एतेन्द्र देवे सवितर यज्ञं प्राहुर बृहस्पते ब्रह्मन्तेन यज्ञमन्त्रेण मामव। ओम नमो ज्योति ज्योषताम आदस्य बृहस्पते यज्ञं नेमिन्तम त्वरिष्टं यज्ञं गौं। ओम शमन दातो ओम विश्वदेवा सही हेरमानो इमादंतामो 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 प्रतिष्ठितं भवते। ओम शांते शांते शांते। ओम स्वस्ति नो मिमुक्षताम अश्विना भगवती देव दीति रथ वर्णा स्वस्ति पूषा सुरुद दातुना स्वस्ति धावा पृथ्वी सुचेतना स्वस्ति वायु मुकृपम महेश्वम स्वस्ति व्योमनस्य जस्पति बृहस्पति सर्वगणा स्वस्थ स्वस्थ आदित्यासि भवन्तु ना विश्व देवानो अद्य स्वस्थ वैश्वानर वसुरग्नि स्वस्थ देवा अवंत वृकभ स्वस्थ स्वस्थ निरुद्र पातम हसा। ओम स्वस्थ मित्रावरुण स्वस्थ पत्य रेपति स्वस्थ नैन्द्र सचाग्नि सत स्वस्थ नो मृति। ओम स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमा शिवा पुनर्दता जानता संगमे महि स्वस्थये त्राक्षम अरिष्ट नेमि मम अद्भुतम बायसम देवतानाम असुरग्नम इंद्रम शुकम संबर ततौ सुवृत्त सुर नावामे बरिहमे अहोमन्यम प्रागीर्यम गिरियं च स्वस्थयात्रे मनसा चत्राक्षमा प्रेत पाने शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभादे शर्वयन्तु अस्तु। ओम रिधि बुद्धि सहिताय श्री मन महाग्राद बलिने हलिने नमः। अम्मे वशं भय नाद्यत सब सब अदं पश्चादं यद्यत सुवसिस्त्र स्वयं न्यम रिते यत्यत प्रतियत चात्मने तद विद्यात्मन मायां यथा भासु यथा तमा यथा मांति भूतानि भूत
उल्टा कलक गलत बात छे। आ जब
શત્યલોક તુલંગ બદત્વત્વલિયા સાધન્યંજયા તો લગુન્ય આને જાતાને ગર્વે નાય દમ માતા જબ બહુત છોટ ભાગલે અમૃત કે કલશ તબ દેવતા સબ કે જે અહમ છલે દેવતા સબ કે જે ઘમંડ છલે સે વાત ચૂરમ ચૂર ભ ગલે પ્રેમ સે વાજે વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય અખનો આપ શ્રીમદ ભાગવત કથા કે એક મહત્વ છે આવ એકરા કોણ રૂપે લે જા તો જે એકદમ કન્ટિન્યુ લગાતાર રૂપ સે જે તે શોર્ટ કો દેને છે મુદા આરો ગ્રંથ મે લખને છે જખની ભક્તિ કે भक्ति और ज्ञान बैराग भक्ति के दो गो पुत्र अपना सब के जी संसार में एतेक बड़का आए बड़का बड़का विज्ञान विज्ञान जे भेलैये से या अपना सब के पूर्ण संत महंत के बड़का बड़का ऋषि महर्षि के आवाज जे आकाश में घूम रहल छे ओकरा कलेक्शन क के ओकरा एकत्रित क के वही से निकाले छे जना अपना सब के कोनो वस्तु से ओकर रस निकाले छे अब नारद जी देखल की भक्ति के वृंदावन में भगवान साक्षात एलथन भक्ति और ज्ञान आ बैराग ई सब ठीक के जब उन्मूलन हुए लगले कमजोर भगल ई सब जब बीमार पड़ गए कलयुग के प्रभाव से तब एकर उपाय कतह एकर दवाई कौन हुए तो दिमाग में एलन भक्ति के जब वृंदावन धाम में भगवान साक्षात पधार छलखिन अगर जान वृंदावन अलै है तो आंशिक ठीक भेले भक्ति तो पुनः तरुणी अवस्था में आबि गेले मुदा ज्ञान बैराग के सेम पोजीशन जहना अवस्था में रहे तहना आब कहू जे बच्चा जकर पुत्र विदा अवस्था में अंतिम श्वास लंबा लंबा श्वास लेत रहते आ हुनकर माता पूरा तरुणी तो पुत्र के दुख से माता के आज तक संसार में पुत्र ते कुपुत्र भेले है मुदा माता कुमाता ने भेले हजारों हजार उदाहरण छे जे पुत्र कुपुत्र भ गेले मुदा माता कुमाता ने देखल गेले है ते माता जब देखे छे पुत्र के अवस्था ते इनका बड़ा चिंता भ रहल छन आहो डकार भ के आंख से आंसू जा रहले न ते या बात पूछे छन जे नारद जी ई लोक में मृत्यु लोक में अब अखन आवे छे कि ने से त हमने क मुदा आए दे हते सात गो चिरंजीवी छी अखन तक ने मरले हे ते नारद जी आए दे ते कोनो ने कोनो रूप से आ ओ जे देखल के इनकर रुदन साधु के पास में दया होय छे मानस में एक बेर जयंत जी जब मैया जानकी के अपस्कृत कर के उनका इच्छा विरुद्ध काज कर के जहन भाग गेले है तो कतौ ओकरा जगह नहीं भेटले तब नारद जी साधु दयावान होय छे से गोस्वामी जी मानस में लिखने छे जे नारद देखा बिकल जयंता अलागी दया को मलचित संता संत के पास में कोमलता ते हेबे करे छे त्या भेले ये संत और संत जखनिये भेले तो उनका पास में दया के खजाना भ जाय छे दोसर के दुख पर उनका बड़ा दया आबि जाय छन नारद जी देखे छन भक्ति के हवो ढकार एकदम बड़ा श्रावण भा मुदा वृंदावन में आबते हम हमर दुख ते दूर भ गेल मुदा हमर ई पुत्र सब के अवस्था ई छै से हे नारद जी को आप अपने कहू जे में की भ सकै ता नारद जी कहै छन जे ज्ञान ना अतमणि पश्यामि सर्व में तत्वान दे अन्न विषाद सत्वा कार्य हरि संत करिष्यति कखन आवाज चिंता नहीं लिया साधु का दर्शन होना मुश्किल है हम आके भेट गलौ आके सारा काज आप भ जात अहाँ चिंता नहीं लिया चिंता नहीं लिया ऐ तरह नारद जी विश्वास दे छन भक्ति के हमर सुध जी कलखिन जे छन मातृ ने तदज्ञात्व वाक्य मुझे मुनीश्वर
જના આગા સુરાયંતે સાઠ દુષ્કર્મ કારીના શુદ્ધ કલ્કિન જે હે સોનકજી સાવધાન ભક્ત સુનો આમ કી ભ રહલૈય જખને નારદજી ઈ બાત કહે છે અન આજ તક અહમ કે ભોજન કરે છે આ ગલે બને મન સાંજ પડતે તો ભગવાન અહમ કે ભોજન કરે છે જખને અહમ આવી ગયેલે મનુષ્ય ને તો બુજુ ભગવાન ઓઠામ રુષ્ટ ભ જાય છે હુંકા સાક્ષાત નારદજી કે અહમ ભગલે આપ સોચલ કે ને જે ભગવાન લગ મે હમ અબ એકરા નાના કિસિમ કે યુક્તિ શબ્દ છે મુદા વૃંદાવન સે સંયોગાત્મન પુનસ્તવં કરોને નવા ધન્યં વૃંદાવન તેન ભક્તિ નિયુક્તિ અદ્રત કલકિન જે આંકે ઈ બુઢાપા કિયે રહી ગયેલે ઓય પર નાના કિસિમ કે ઉપાય સબ કરે છે ભક્તિ કહે છતીન જે નારદજી ઈ મહારાજ પરીક્ષિત એ પાપી કલયુગ કે કિયે રહા દલકે જેકરા પ્રભાવ સે સારા જ્ઞાન ભક્તિ સારા નષ્ટ ભ રહલ છે ઓર સબટી ધર્મ કે બદલા મે અધર્મ કે પ્રચાર પ્રસાર ભ રહલ છે સે હમર જલ્દી સે એ સંદેહ કે દૂર કર કે હમર બચ્ચા કે દુરુસ્ત કર દિયા તાકે જે નારદ કલકે જે હે કલ્યાણે જદી આ એ બાત પૂછલો હોત ઠીક છે રાજા પરીક્ષિત કે દ્રષ્ટિ કલયુગો પર સમાન સે પર લઈએ જે કથા આપને સબ આગા સુનબે કરવે શુદ્ધ વચ આ ભક્તિ રૂચે બચો ભૂય શ્રુતાં તચ્ચ સાન કહ કલકિન જે મહારાજ પરીક્ષિત સબ કે દયા સબ કે ઉપર મે સમાન દયા કે નિહાર છલકિન ત્યાં કલયુગો પર દયા કહ કે ઉ જગા દલકિન અપના રાજ મે આર જખને જગા દલકે ઈ કલયુગ કે કાજ છે મહાત્મા પરીક્ષિત હુંકા જગા દલકે આ કલયુગ આપ કી કરતે સે એકર કાજ છે ત્યાં કલયુગ અપન કાજ શરૂ કરે છે ભક્તિ રોજ ભક્તિ કહે છે જહા બડ સુંદર સે હમર ચિત્ત બુઝેલીએ વાસ્તવ મે સંત કે યા કાજ છે તે દ્વારે હે નારદજી હમરા એ બચ્ચા સબકે જલ્દી સે ઠીક કર દિયો નારદ જી ભગવાન કે નામ લોકે આઈ જે કહ કે ન જાવ હમ ભેટ ગયો અહાંકે આપ કોનો ચિંતા લઈ કે વાત નહીં છે તે કહે કે અહમ ભલા નારદ જી સારા ઉદ્ધાન કેલખિન હિનકા વાસ્તે મુદા એકો ગો મંત્ર કાજ નહીં કેલખિન સારા નિષ્ફળ ભ ગયેલે આપ જખને નિષ્ફળ ભ જાય છે તબ આપ સોચલખિન હિનકર તે પ્રતિષ્ઠા બાજી મે લગલ છે વાસ્તવ મે જબ સંત સે જદિ કોનો કાજ નહીં તે તકર બાદ આપ રહી કી ગયેલે સંસાર મે આપ એ સોચે છે જો હમ ભગવાન લગ મે જાય છે ભગવાન લગ મે નારદજી એઠામ સે ચેલ દલખિન મુદા ભગવાન જે હિનકર અહંતા છે તે આવાજ સુને છે રાધા મૈયા ભગવાન કૃષ્ણ રાસ કર રહેલ છથી આવાજ સુને છે જે ભગવાન કા આવાજ મુદા એઠામ જાય કે માર્ગ હિનકા ને ભેટ રહેલ છે ભગવાન જેના અપના સબ કે ધર્મ શાસ્ત્ર જેના બચ્ચા કોનો બંધ ઘર મે અગર ગાય કે બચ્ચા યા મનુષ્ય કે બચ્ચા કોનો બંધ ઘર મે અગર રુદન કરે તો ઉનકર માતા કે જે તરત આત્મા વિદીર્ણ હોય છે તો ભગવાન નારદ જી કે જે દેખ રહલ છે દશા સે ઉનકર આત્મા વિદીર્ણ ભ જાય છે કખનો કખનો ઉનકર જે કલા કૌશલ છે ગાવે કે મે કખનો કખનો ડિસ્ટર્બ ભ જાય છે રાધા મૈયા પૂછલ કે જે અપને કી અવસ્થા તાં દિન મે આવે છે ભગવાન કહલખિન રાધે નારદ જી ખોજ રહલ છે ના મુદા હમ ભેટ નહીં રહલ છીએ કે ઈ તો અપરાધ ભ રહલ છે મૈયા કહલખિન કહલખિન નહીં નહીં હિનકા મન મે કની અહમતા ભ ગયેલ છે ના કહલખિન સરકાર આપ બેસી નારદ કે હરામ નહીં કહેલ જાય પરેશાન નહીં કહેલ જાય રાધા મૈયા કે સિફારિશ પર દ્વાર ખોલ દલખિન તો ભગવાન ભેટ ગયેલે નારદ જી કે કલકિન સરકાર બડ હરામ ભેલી કલકે હા અપને કે મન મે કનિયા હમતા ભ ગયેલ છે
ता कुछ तलिट जरूर लगते। बोलो राधे राधे। अब जखने भगवान लग्न काल की ने सरकार एक तरह मृत लोग के बात से शिव भक्ति बड़ा रुदन कर हम अपना जाने सारा योजना के लिए मुदा एको गो सफल नहीं भले से कौन तरह उनकर काज निवृत्ति हेते कौन तरह उनकर काज हेते सरकार से कम अपने मार्ग बताल जाओ मार्गदर्शन में प्रभु भगवान हंसै छन कहलखिन जे ई बात हमरा बुते ने ओ चारोटा संत कुमार सँ अपने ई बात पूछू आकि तुरते नारद जी आबि करके ध्यान कलखिन है आज तक बिना परिश्रम से कोनो काज नहीं हुई थी सरकार। नारद जी साक्षात ईश्वर शरण मुदा संत के दर्शन करे के वास्ते उनका ध्यान करे पड़लखिन है बहुत जब ध्यान कलखिन चारों संत कुमार आब ग्रहण कलखिन किया अपने तो कहलखिन सरकार ई समस्या छे तो कलखिन है या समराल की जाए। अपना सबके सत्संग में बैठल छे महात्मा नारद जी कलखिन है सत्संग के बहुत बड़का महत्व छे श्रीमद भागवतो में लेना है जे भागवत जनम बहु जन्मानी एक जन्म दुई जन्म एक हजार जन्म 2000 जन्म के बाद ने एले भाग उद्देन बहु जन्मानी समर जितेन आ सत्संगम च लभ्यते पुरुषो यदावे सत्संग में श्रीमद भागवत कथा में कतो जीव के तब जाय के इच्छा है छे जे बहुत जन्म के पुण्य जब एकत्रित भ के तकर बादे मनुष्य के भगवान के कथा पर रुचि हो जाए न मानस में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सा लिखल कि न जसत संगत दुर्लभ संसारा श्री राम जय राम जय जय राम ओ राम जय जय राम ओ निमिख दंड भरिए कहो बारा श्री राम जय राम जय जय संसारा श्री राम जय राम जय जय राम ओ निमिख दंड भरिए कहूं बारा श्री राम जय राम जय जय राम कलखिन अज्ञान हेतु कृत मोह मंद अंधकार नाशन अविद्या यही तदोद्यते विवेक सत्संगमा सत्संगमे सत्संग में गेला सा ई ज्ञान रूपी जे मोह रूपी कारण से ढकाल छे ओ तबे हटते जब अहां सत्संग में नहीं जेबे तो ई सारा के सारा ऐना रह जेते। कथा प्रसंग में काल खान अपने सुनने रही है जे पारस में और संत में तो ना करे संत कर आप समान। अब पारस सोना बनबे छे तो सोनो ते कांचन संपत्ति के मूल वस्तु छे एकटा महात्मा के पारस पत्थर मिल गेले कनेटा एक मिनट के दृष्टांत से हम अपने सबके सामने प्रवेश भरलो है एकटा महात्मा के पारस पत्थर भेट गेले आ पारस पत्थर भेट गेले ते सोचलखिन है जे हम ई पारस की करब कुर्सियों पर बैठ सके छी वह भगवान के उत होना विधान नहीं साहब उनका सिस्टम में तो लोग पेंट पिने से तब उनका तो बड़ा गड़बड़ है छी एना के बैठे के कुर्सियों पर ऐसे नीचे आसन में बैठ सके छी ऊंच आसन माने ई नहीं बोले ऊंच आसन माने भगवान के आसन से ऊंच में हेबक चाहिए आ ओकरा विद्वान सब की कलके तो ऊंच माने कुर्सी चौकी पलंगड़ी एक पर बैठ के नहीं तेना नहीं छे ऊंच आसन माने भगवान के आसन जे छे तय से ऊंच भ के नहीं बैसू अहाँ आ कुर्सियों पर बैठ सके छी ओना चारपाई पर अपने प्यार से कि हम चारपाई पर बैसू आ तैयो आवश्यकता आधार पर बैठ सके छी कुर्सियों पर चौकी पर ऐसे ऊंचगर आसन पर नहीं बैठो फुल पैंट पहनने से बैठे में दिक्कत हो तो कुर्सियों पर बैठ सके छी ई तते छूट से व्यवस्था बोलो राधे राधे। अब अपना सबके कथा कथा में रहिए
जी हाँ हम कखनो कखनो पूछ दे तो नहीं कबर पंडित जी बिसर गए आब पारस में और संत में बहुत अंतर जान आ वह लोहा सोना करे या कर आप समान पारस एक संत के भेट गल आ पारस सोचल खिन हम पारस की करबे एक नजदीकी हुनकर चेला रहे महात्मा जी के बड़ सेवा करे छलखिन तो हुनका दे देलके उ की रहे त हाथी राजा के जे हाथी छले ओकर महुतिया रहे मतलब हाथी के लदबे वाला राजा के देते तो कुछ और तो से नहीं देलके दे देलके ओकरा सारे सेवा जे करे छे सेवा वाला मन नेवा पाते वो तो राधे राधे अब वो महुतिया सेवा करे छले हुनका दे देलखिन वो सोचे से जो हमरा ओकरा विवाह शादी किछ रहे ने तखन का पुराना जमाना में बड़ा गड़बड़ रहे अब पेटे भात पर खटे से तो ओकरा की हेते धन संपत्ति ओकरा एकटा ठाकुर से दोस्त लगल रहे कहियो कहियो केस तारी बना दे छले मीठे मीठा में कखनो कखनो हाथियो पर चढ़ा दे छले आदान प्रदान एना होइ छले तो जो संत इनका दे देलके पारस आ कल के हे लोहा में भी रेबे सोना भ जेते इनका पास में आकुश से लेवे में नहीं जाचल के बोलो राधे राधे विश्वासम परम सुखम संत के बात पर विश्वास भ गेल इनका अब की करके तो हुनकर जे दोस्त छले ठाकुर जी उनका दो देलके कल के हे ई पारस से आ ई सोना बनबे से लोहा के जिनका पास में कैंची खोर दूटा तो रहे राधे राधे आब ई की केलकै तऽ उ पारस ओहिमे दए देलकै ब्याह मने देखै छै तऽ एकदम सेम पोजिशन टिपोटल जहिना के तहिना एकोटा सोना नहि भेल रहै दोस्त पर बड़ा बिगड़ान बिगड़ल मने मन अहाँके क्यों नहीं ठगल भेटल तो हम ही लड़ो कि क्यों नहीं ठगल भेटल तो हम ही भरि रात आप पारस में तो की गुण है जे एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो एक गाय काटे वाला कलखन कहना रही गाय काटे वाला तलवार के भगवान के मूर्ति दोनों में अंतर भले मुदा दोनों अगर लोहे के छे आ एक बेरे ना के पारस पत्थर में भिरा दियो तो यह दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खड़ो एकदम देन एंड दियर तुरंत के तुरंत सोना बना देते आई भर रात रख दल के ये भाई खोल में मुदा ने कर लहर नहीं भले सोना के ने कर खूर भले सोना के आ ने कई ची एकदम जैना के तेना लोहे करे गले तिकल के ठक छे अब ई कहल के ओकरा लिए अपन पारस हम एहन पारस पत्थर नहीं रहे छी भरि रात में एकोटा सोना न भेलै बुझितिए लहरनी सबसे छोट चा ओहो जे सोना भ गेलै तऽ काल्हिखिन ऐसे नमहरका हेतिए परसुखिन तैसे नमहरका हेतिए कर्मिक रूप में हेतिए मुदा एकोटा नहीं भेलै बोलू राधे राधे अब ना दोसर के बात पर ओ महुतिया विश्वास कर लेलखिन ओहो लल हो बाबा तुहन नहीं कोई ठगल भेटल तो हम इमर एक सेब अंगूर केरा ये सब देते तो हम भोजन के लिए की पत्थर देगा हमारा तू हमारा दोस्त से दूटा बात सुना दल महात्मा बुझ गए विवेक और अविवेक में की अंतर हो अपना सबके हर प्राणी के छ गो कुंडली कहलो न अविवेक अज्ञानता बस ढकल छे अब जखने पर्दा नहीं खुलते सरकार तब बड़ी गड़बड़ भ जेते बड़का बड़का ज्ञानी सब बुझ देते छे मुदा ज्ञान नहीं छे तो बड़ा गड़बड़ छे साधु उनको इनका दोषों के जोर कल के ठाकुरो जी क्या हूँ हाथी के जो माहौल चले उनको आ कल के पारस के साबित करके ये कल के केना आहा सोना केना नहीं भेल हुआ तो कल के झोरा में भेज जा देने रही आब रहे कि तो एक गो अस्त्र दोसर अस्त्र से कैंची के जो धार छे से लहरनी के धार नहीं मरे आ लहरनी के धार से खून के धार नहीं मरे तो सब में कपड़ा ओझरा ले राधे राधे आब ई कपड़ा जहन ओझरा ले तो पारस तो डायरेक्ट टच नहीं भले अरे वो भीड़ ते तब ना सोना है ते आ छे वही में कंचियो छे मुदा वही में ई कपड़ा
મહાત્મા કે આશ્ચર્ય બોલે પરસ નાકી બોલે જો દેખા કે તો જો ઉજલર કે ના જો જોડે ઉજલર કે સામે ખૂબ બઢિયા સે કપડા સે બેરમ છે જે એકટા દોસર સે ધાર કોનો કરવો ને કલ કે ઇકિયા બેર દને ચિબવા કલ કે બાબા ને બુલા એ માં ધારે મે છે તો ધાર ટૂટ છે દે કલ કે ત્યાં કરવો ના ઈ સબ ટી કે ખોલ કે જોર કે કે પરસ કે રાખ દલ કે એકદમ કરે ત્રિજાલ તુરત કે તુરત સબ ટી સોના ભાગલે તો કલ કે બાબા કિયા ના ભેલે હો મનુષ્ય બનનાય બડી કઠિન કે બાત છે આઈએ સુબહ મે કોઈ ચર્ચા ચલે જે બાબા હા વૈષ્ણવ તો એને બનવે છે હમ કહે નહીં નહીં વૈષ્ણવ ક્યાં બનાવે સંસારમાં દુયે કિસમ કે ચીજ છે દિન રાત સૂરજ ચંદ્રમા અંધકાર પ્રકાશ સ્ત્રી પુરુષ ઓર કૈના બાયા દાયા આકાશ પતાલ પહાડ ઝરના તો ભગવાન કે સૃષ્ટિમાં પ્રસંગ બસ કથા ચલાય સોમ ત્યાં હમ કહે છે એન કથા હમરા સબકે પ્રાય રાખે કે પ્રપક્ષ મને રહે છે કતે જુવક સબ તમસા કે લઈ બાત પર જે પંડિત જી કહો કંઠીએ બાંધે કે પ્રયાસ તો નહીં કર લે બોલો રાધે રાધે દુયે ગો ના કે સૃષ્ટિ મે દુયે કિસમ કે ના કે સૃજનાત્મક કે નહીં છે એકટા ચાકર આ એકટા ગોલ ચોક દાંતો એકટા ચકર કા દાંત એકટા ગોલ કા ચોકા દાંત ભગવાન કે સૃષ્ટિ મે દુયે કિસમ કે દાંત ઓર નો છે તો જેકરા ચકર કા દાંત આ ચકર કા નો છે ઉ ફૂલ શાકાહારી છે જેકરા ગોલ કા દાંત આ ચોખા નો છે ઉ ફૂલ માંસાહારી છે બાઘ કે ખોર મે બરકત રોહ કે મન 5 કિલો 7 કિલો કે મછલી બાઘ કે ખોર માં દાબ્યો ઉ ગ્રહણ નહીં કરે બાઘો મે સિંહ હે છે ઉ દોસર કે મારલ ને ભોજન કરે છે ઉ સ્વયં માર કે તબ ભોજન કરે છે સિંહ ને તપન તંબા ચાટ કે સુઈત રહે છે કે તે ફૂલ માંસાહારી છે ચકર કા દાંત આ ચકર કા નોહ નહી છે અપના સબકે દરવાજા પર ભેંસ છે ગાય છે બકરી છે એકટા બાલ્ટીમાં જિંદે માછ ઓઈમાં ધો દિયો આ નિકાલ કે અલગ કર દિયો મોકલા દેખા નહી દિયો આ ઉ પાણી દિયો પીએલે તો ઉને પીએ બાર જવાબ છે તો જે ઘાસ પર તને માછ ચેલ ગેલ રહે છે તો 4 દિન 8 દિન જાબે બારિશ હો કે ઉ સાફ ન હે છે તાવ ઉ માલ ઉ ઘાસો ન ચર અપના સબ કે અચ્છા ન ચાન બાપ કે છે કે ના મચાન મન મન માર ચલ ગેલ છે તે ઈ ફૂલ સાકાર ભગવાન તો અપના સબ કે મનુષ્ય બના કે ભેજ દેને છે મુદા મનુષ્ય અપના સબ કે નહી બનવે તબ ભગવાન કી કરતે પારસ તો દેલકિન મહાત્મા જી મુદા કપડા સે બેરો છે ઈ અંધકાર મોહ માયા રૂપી સે ઈ ઢકલ છે ઈ સાફે ન હેતે તે કેના ભગવાન કે સમીપ હમ સબ પહોંચ સકવે બોલ રાધે રાધે ધન્યવાદ આ ભાગવત કે કથા કે જ્ઞાન વૈરાગ મે આપ દોસર અપને સબ હજારો હજાર પંચમો અગ્ર પાપા સ્થલ છદ્મ કારિના અક્રૂર પ્રસાદ સાસ્તા વિનુદ્યાસ એ બ્રહ્મ સ્વપોષ્ટા જે મદિરા પાન કરે છે બ્રહ્મ હત્યા કરે છે સોના કે ચોરી ગુરુ સ્ત્રી સંગ જે ગમન કરે છે ઓર જે વિશ્વાસઘાત કરે છે ઈ પાંચ ગો કે પાપ ને ઈ પાંચ ગો કામ કે મહાપાપ મે ગિનતી ચાલ ગેલે ઓર એ સબ કે બહુત બરકા દંડ ભેટે છે પાંચ ગો કે સબ તે મદિરા પાન બ્રહ્મ હત્યા સ્વર્ણ કી ચોરી ગુરુ સ્ત્રી ગમન ઓર વિશ્વાસઘાત ઈ પાંચ ગો જે છે સે મહાપાપ મે ગિનતી છે અબ શ્રીનો ગોકર્ણ કે પિતા કે નામ ચલે ને આત્મદેવ બ્રહ્મણ
आत्मदेव सारा वेद के जानकार छले, सारा वेद के जानकार छले ना, मुदा वेद ते जाने छले आ हुनका वंश में एको गो संतान नहीं छला। अब देखो कहियो कहियो भगवान के सृष्टि में केन केन समस्या आवे छे। हिनकर जे पत्नी छले ना, हिनकर नाम छला धुंधली। अब आत्मदेव के मन में छलन जे जय वंश में एको गो पुत्र नहीं छे, बिना पुत्र के वंश बेकार छे, कम से कम एको टा पुत्र हेवक चाहिए। आ हिनकर पत्नी के धुंधकारी के मन में होय छलन जे हमरा बच्चा नहीं चाहिए। बहुते बहुते उदाहरण छन जे एके गो माय एहन भेटले ये धर्म शास्त्र में जे ओकरा होय छलन जे हमरा बच्चा नहीं चाहिए। अब किया ने बच्चा, तो बच्चा जखने जन्म ले छे तो माता के बहुत बड़का गंजन होय छे, चाहे जे भी किसिम के माता हो। बोला भाई बोला अम्मा ये तो मार बोला हमरा दरवाजा पर आए तक एको टक गया बच्चा नहीं दल के ना। बोल राधे राधे हमारे पाल्यते मां माया धेनु, जे गाय के धेनु माने गाय, जे गाय के हम पोस दे छे उ गाय बच्चा नहीं दे छे, बंध्या भ जाय छन। और जो माया रोपी तो वृक्षा सो अपि बंधत्व मास्रियता, जे वृक्ष के हम अपना हाथ से रोप दे छे उ वृक्ष फल नहीं दे छे। सरकार आप कहो हमरा सदुआत्मा हमरा सन पापी है संसार में के हेतै, ता ये पलंग मत को हो आपन तचा शीघ्र विनश्यति अनिर्भाग्य स्यान पतस्यता की मातो जीविते नमः। जे हम फूल लगा दे छे उ फूल कहियो फुलाय नहीं छे। अब एते के ते अपराध सरकार हमरा से भ रहल है, ता आय हमरा मने जे हम आई कुंड में डूब करके मर जाए, ऐ जलाशय में अपन आत्महत्या कर ली। महात्मा रोके छंके जे श्रीनो विप्रमाते रं प्रारब्धं तु विलोकितं मा आ शब्द जन्मा बेटा पुत्र नै बचो नै बचो। काके ने एक जन्म का बात नै छे, आगे सात शब्द जन्मा ने सात जन्म तक आके पुत्र नै है। क्या बड़ा छे पूर्व जन्म के पाप सो आ बहुत अपराध केने छे, ता आके बच्चा होय में समस्या है। आ आ किया हा बेटा लेते व्याकुल है छे राजा सगर के बेटा सारा नाश कर दल के ने महात्मा के उदाहरण दे छन जे पुत्र के कारण हा व्याकुल ने हो। आई राज में को जकर छवे दिन के बाद में माता देहांत भ गेले जो बच्चा के पोसे में कते हुनकर पिता के दर्द भेल हेते। अब हुनकर जे सहयात्री दासी छन, दासी के संगे ओ बच्चा के हुनका से मदद ल के पोसलखिन। बच्चा छोट बेटा भेल अखन अपना सब के 20 वर्ष के बाद विवाह, मुदा पहिने छोटे में विवाह कर ले छलखिन महाराज, छोटे में बच्चा के विवाह कर लेलखिन। अब पुत्र पुत्र मधु के संगे बड़ा आनंद हो जाए, पत्नी के दुख चिंता भूल गला राजा। कोई गांव में हिनकर एक गो हरवा के देहांत भल मर गया, आ उ जमदूत के सियर में काज करे लगल खिन। अब ऐठा ई एरिया में हुनके द्वारा जे छै से कोनो काज होय छलन महाराज, सैन सैन दिन का पीपर में जल दे छलखिन। तो पीपर में जल के प्रभाव से इनका कुछ दृश्य जे छै से गहरात्मक भ गेल छलै, भूत प्रेत इत्यादि अदृश्य जे वस्तु छै से देख ले छलखिन। एक दिन पीपर में जल देबक वास्ते गेलन, ई जति महाराज सुनबै छन इनका आत्मदेव के जे हम सुना रहलौं।
आप ओहिठाम देखल कि नहीं तो भगवान जी हमारे हरबा चले तो मर गए रे तू ची कल हाँ सरकार तैठाम की करे छी निकाल के फलना के जे सांप काट ले गई है से हम ही सांप बन के गेल रहिए फलना जे डूब के मर गए रहिए वो हम ही ओकरा डुबा देलिए इत्यादि कार्य सब फलना के जे मृत्यु भले गाछ पर से गिर गेल हम ही धकेल के गिरा देलिए तो राजा के जिज्ञासा भेलनि जे हमरो एक टा बच्चा है हिनकर आयु के संबंध में हम बुझी जे हमरा बच्चा का आयु कते दिन के है कि बड़ मेहनत बच्चा के पोसने छे कहलखिन तो एक बात कह हमार बच्चा के कते दिन के आयु है कम से कम बड़ खिए ने पिए ने छू कम से कम एतबो के हमार उपकार कर कहलखिन सरकार अपने चिंता में लिया अगला सेन हम बता दे डायरी देख के बोलू राधे राधे। अब अगला शनिचर राजा को चले चारे दिन में सेन आ जाए जाए शनिचर दिन आए राजा सवेरे स्नान करके मुदा ओहो पहुंच गया चलान कहलखिन जे कह हमार बच्चा के कते दिन आयु छे कहलखिन सरकार बड़ी गर्व देखलो रे गाड़ी चला दे इन कार्तिक 30 गते में अपने के बच्चा के अंतिम आयु छे मुदा जल्दी एकरा परिहार करिए परिहारों के बहुत बड़का महत्व छे परिहार में कर का छाट हम बचा दे अपने के अगर वही हिसाब से चलबे अहां के बच्चा के 100 वर्ष आयु भ जात बीट के तौर में से तो महाराज सुंदर जी ने जाने जान हम से ये तो जे कर पड़ते से कर पहले बुझ लेली है तो वही चीज क्या परिहार करे में कौन आपत्ति कल के में जब बचा जा सरकार कल के में जे 29 गते में अहां के बच्चा के बुखार ले जाए तो 29 आ 30 गते भर दिन भर रात किछ हुनका ग्रहण नहीं करेबे अगर भोजनो कुछ मांगे खाए के वास्ते तो खीर के भोजन जतन हम ही आए। अब महाराज के जाने से बात जानकारी भ गेले त 10 दिन पहले इनका जानकारी होय छन 15 दिन पहले एकदम पूरा ओय दिन के गने से ठीक 29 दिन में इनका बुखार लग गेले जखने बुखार लग गेले तो राजा 29 गते में तखनिये से पूरा व्यवस्थित में छे हिंदू ककरो कहे नहीं छे केना कर दे बात 29 दिन 29 गते के रहे त 30 गते के दिन तक में ते 24 आ 12 36 घंटा जे नहीं सूत ले है शेखरा निंद्रा देवी बसी भूत भ गेले आप 10 बजे छे 30 गते के रात आई रात जे छे से किछ हिनका भोजन दे के नहीं छे आप तो इनका आंख फूटे लगले नींद से कहलखिन हे आप कन्या के कहे छे अपन पुतो के कहे छे सुनो आप हमरा नींद से नहीं रह जाए अहाँ उठू आप एतेक तो बीतिए गेल है 10 बजे छे रात 8 घंटा 10 घंटा समय छे 10 11 12 4 सोलह दू मतलब 6 दू 8 घंटा रहले है आज किछ मांगते इनका भोजन नहीं करे कहते राजा सुत के जा राजा सुत ले के एकरा पूरा मन ठीक भ गेले आब पत्नी के कहे छे उठू ना ई त जगले रहे तो उठ ले छे बाजू ने की कहे छी त हमरा बड़ा भूख लगल काले से नहीं खेने छी से हमरा कुछ खुआ कहलखिन जे हम की खिया अखन आ तेरा घर सुत न रहो काल खन जे सवेरे भन कह के ना ना हमरा अखन अरे आप कौन नारी छे पति मर्दा नारी के तो काम छे पति जे कर दे तू ओकर आदेश के पालन के ना आ के छे जल्दी से हमरा खीर खाए के मन है बोलू राधे राधे कहलखिन जे खीर हम अखन कर दे दूध जे सांझ के दूह के भैंस के से टांग ले छे एतेक दवा करकिन है जे बाद ताऊ स्टोर जला के खीर दूध में चाउर देते छे सीझबो न के ले दू टा दाना उठा के मुंह में अपने से लग लग के गोविंदाय नमो नमः आ तुरंत हुनकर देहांत भ गेले जा आप काना लगल कि न कि राजा के नींद टूट गेले जा राजा के नींद टूटले त सारा बात हुनका याद आ गेले जे खीर देखे जे दूर चढ़ लगे कतो पाच तक कर के हम की करबे आंख बेटा जबरदस्ती कर लेलक तो अगला शनि कल के हमरा मारलो बेटा के मुंह देखा देखियो पुत्र मोह केन होय छ
चलू हमर प्यार पकड़ लिया चलू लगल की स्वर्ग में एक बेटा एक टोली में पान खेने जूता पहने चल अल भर पान के पकड़े छे जा बउआ अहाँके हम कते मेहनत से पोसल जना जोक झाड़े छे अपना सबके जोक कहियो लागल है मुखिया जी जोक एना के झाड़े छे जना बीच से जाइए जना झाड़े छे चुट्टी छे जना जोर से झाड़े छे तेना प्यार पकड़ने छे तत्ते जोर से झाड़ देलक है जे ओत जाकर राजा गिर ले कहे छे बेवकूफ अरे तू कितना बार हमारा पुत्र हुआ था आ? तो हम तो एक बार तुम दे तू यहाँ तक चलाया यहाँ पर न कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का पिता है चलो निकलो यहाँ से तत्ते जोर से कहीं के ओठाम से आई गलन आत्मदेव के कहे छे बेटा के खातिर आ एतेक प्राण नहीं हतू कलगी सरकार हमार बेटा तेहन नहीं थे बोलू राजे राजे उ राजा के बेटा थे शिक्षा दीक्षा का अभाव थे तैं भ हम ब्राह्मण छे जातीय ब्राह्मण छे हम वेद संस्कृत से इनका एतेक बढ़िया बनेबे जे एकदम सुंदर भ जेतें कि हमरा ते डरबे छी हमरा पुत्र चाही से एकटा फल दऽ देलखिन बोलू राजे राजे हाँ नारद रेखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता संत के हृदय कोमल होइ छन इनका एतेक अधीर देखल कि ने एकटा फल उठा के कहै छन जे ई फल लिया अहाँ अपना पत्नी के भोजन करा देवे तो सुंदर बच्चा है हरे राम आज बड़ा प्रसन्न मुद्रा से फल लेलखिन है आ पत्नी के कहे छे सुनो इनकर पत्नी अब हरा जी हरे लेते इनकर पत्नी पति के इंतजार में छे कत चल गए शान के आ सुंदर फल देखिन हे फल ग्रहण कर लिया पूछलखिन अगर ये सारा बात नहीं कहते तहन तो ग्रहण किए लेते मुदा कहलखिन हे फल नेम निष्ठा से स्नान कर के भगवान के प्रतिमा पर धूप आरती फूल चढ़ा क्या फल ग्रहण करो तो अहाँ के सुंदर बच्चा है बोलू राधे राधे जा कहलखिन जहाँ के सुंदर बच्चा हाथ ते इनका खुशी के बदला में दुख भगल एक के साथ के भोजन दान दया दोसर बच्चा पर अपने बच्चा जेकर दया से नहीं करे बड़ा गड़बड़ बात है वो हेते करता सर सत्संग में देवे न करे सत्संग के जो प्रभाव छे सुनते तब न बुझते तब करते अब फल फल भक्ष ने गर्व अश्चात गर्वे ने धर्मता अस्वल्प भक्षण तो सर्दे गृह काल कथम भवेत अब जखने से फल दे देखी हिंका बोल राधे राधे बड़ा चिंता भ गए अब फल के कोठी पर राख देखी ना के ग्रहण करते आ चिंता से सुखा लगले ना पतिदेव जे पूछते हमरा तो हम की कहें हिनकर जे सहेली सब अड़ोसिन पड़ोसिन छलै पूछे चले अहाँ के लटक कहलिए की कहू हमर पतिदेव एकटा फल लाबलके या कहलके भोजन करू आ भोजन करबे जखने तखने हमरा पेट में बच्चा भ जेतै तखन बच्चा कहलके नहीं नहीं जहन बच्चा भ जेतै तो दिने दिने हम जे छै से लटक लगबै देखै छियै फलनी के बच्चा भेलैए बड़ा दुख भेलै आ कहो बच्चा यदि हमर सुंदर शरीर जे छै से बच्चा बाली के पेट कुछ नमहर भ जाय छै हमरो पेट जहन नमहर भ जेतै आ कहो ओहि समय में गाम में आग लग जाए बोलू राधे राधे सब क्यों तो भाग जेतै हमर जे पेट नमहर रह जेतै हम नहीं भाग सकबै हम ओहि आग के लपेट में जेल कर के मर जाए क्या हमरा ई बच्चा नहीं चाहिए नहीं चाहिए अरे लालन आत्रियते दैवाद घाटे बजेद ग्राम में पलाये तकरबने कथम आसु कपनिष्ट भसे तकरबस्तं कुछे तकथम सिर्यता कतो डाकू संग पहले डकैती हो चले न सरकार इनका है चल कहाँ कथम कदाचित डाकू गाम में आयोग जते दैवाद घाटे बजेद ग्राम में पलाये तकरबने कथम आ सुकम बनी बसेद गर्भस्थम कुछ कथम मृत्यु से देता
तो डाकू के चपेट में जो सब भागते तो सबके भाग गए, तो हम नहीं भागा सकते तो हमने गोली से मार ले। प्रेम से बाजे वृंदावन बिहारी लाल कुतर्क सब पेश करके अपना मन में भर लेने चलती ना धुंधकारी संयोग से भगवान देखो की करे छे। तो वो पड़ोसी गांव में हुनकर छोटकी बहिन बसे छले ना, ओकरा कते ने कते पांच सात गो धियापुता भगो छे। आ वही समय में उनका पेट में बच्चा छले, चिंता करके चिंता नहीं लियो, फल से अहां के दरवाजा पर गाय है उनका भोजन करा दियो, हमरा पेट में जे बच्चा है से एकदम ठीक महीना में जन्म लेते, बेटे हेते हमरा बुझैया कि हमरा आज तक बेटी नहीं भेल है, तो बच्चा हम अहाँके दे देव आ अरे बापत हम गरीब छी तो कुछ धन तन दे देवे, हम अपन पति देव के मना लेवे। ये जुटि इनका बैठ गए, बोलू राधे राधे कल की ठीक है, आप इनका भोजन हो लग रहे अपना पति देव का कह चाहिए जो हाँ अब हमारा बुझाइए पेट में बच्चा से देख पति से कते झूठ बाज रहा है। मानस में निकल गए भगवान राम के संग जाने अनसुईया माता के पास में मैया जानकी जी गले ने तो पतिव्रता के संबंध में बतेने छन जे पति के प्रतिकूल नहीं चलक चाहिए, पति केहनो हुए तीनों दिन में भले चारों दिन में नहीं भले कल के ने जब पहले से हम जन्म के बाद छे ना तो हमारा दूध नहीं भले है से हम हमार बहन के बच्चा भले उनका मर गए उनका लाभ दिया कुछ धन तन दर्द वह हमारा बच्चा के पूछ दे। अब पंडित हुनकर नाम रखल थी ना बच्चा के नाम राशि धुंधकारी, हुनकर नाम जो निकल तो धुंधकारी। पति नाम तत्कृत सर्व पुत्र रक्षण है तबे अपुत्र से धुंधकारी ती नाम मात्र प्रतिष्ठितम, धुंधकारी नाम पंडित लिख दिल की ना आम नाम के आधार पर कर्म है से हुनकर बहिनी रह लगल कि नहीं कथा कर हम फास्टिंग रह जाए कि साते दिन में बहुत रास कथा कही गई थे। अब धुंधकारी जतेक सयाना हो जाए छन तो नाम के आधार पर हिनकर काम हुआ लगले ना बच्चा जखन ये दावी जे हमर पिता नाम लियो प्रेताया तृतीय दिने एक पिंड से दी अंते तबो तिष्ठंताम आहे आई गर उन्टव प्रेत के प्यार उन्टल होई छे काट प्रेतक तरकारी तीन केरा कब कब मीन एखनो आहां देखबे कचका केरा आ ओल कब कब माने ओल डाली पर ले छे आप ते कुछ जमाना पर सुधार भेले या ऐसे पहिने पोखर घाट पर जाके की माने जिंदा मछली डाली में ले छले या जखन श्राद्ध कर्म घाट पर पोखर घाट पर जाए के की माने तो जाल फेंकवा के ब्राह्मण सब जिंदा मछली मार करके डाली में ले चले अहां के श्राद्ध के दिन अहां के जब तक कर्म डेली जिंदा मछली चाहिए ओकरा डाली में आ कहे प्रेतक तरकारी तीन केरा कब कब मीन मीन मन माछ कब कब मन ओला कचका केरा जे भगवान के भोग नहीं लागे छे आप मीन शब्द के तोप का कचका बार बार बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो ब्रह्मा को बोलो विष्णु को 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 बोलो उमापति शिव शंकर को बोलो
उमापति शिव शंकर के बोलो, उमापति शिव शंकर को बोलो, उमापति शिव शंकर के बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद राधे बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा को बोलो राधे स्वामी को बोलो, राधा को बोलो राधे स्वामी के बोलो, राधा को बोलो राधा स्वामी को बोलो, ललन मां को बार बार बोलो, अपनी ललन मां के बार बार बोलो, अपनी ललन मां को बार बार बोलो, अग्नि ललन मां को बार बार बोलो, प्रस्तुति कलखिना तिनका गलन जा गोकर्ण के कहिन तुम ब्रह्म नमो जगत साक्षी न ब्रू में मुक्ति हेतु कमां कथन जे हे भ्राता अमृता हमर मुक्ति के पाशा कुमार खोज दिया तविया श्री मद बाल मक्ता सर्वे प्रभु ने प्रत्यय न करते प्रम सुप्रम गोदियमा और गोकर्ण ने संकीर्तवा बाजनाथ प्रवीतिदा सोम गोकर्ण भागवत के कथा बाचल की न गाय के गर्भ सा अखनो ब्राह्मण सब कहत जे भगवान के कथा मात्र ब्राह्मण बांट सकत है मुदा अब मैं लिखल की मैं जो है ब्राह्मण भगवान के कथा सुनियो न सकत है जे अपवित्र से जे हिंसक से जे मांसाहारी पढ़ो भाई देंगे अब समाजस्तु महान जातो देव विसम्यकार का आये दैवासन समाज संगो कर्णो कथन कथाम गोकर्ण श्रीमद भागवत का इना आयोजन कलखिन स्वयं गोकर्ण वक्ता बनलन बहुत गोटे भागवत कथा सुने के वास्ते अपार भीड़ लग गया अखान अपना संगत रोज से बहुत 15-20-25 के संख्या में उपस्थित थी जबकि श्रीमद भागवत कथा कालो किन कहने रहिए जे ई कथा अरे आहा दवाई खेबे तकर बाद बीमारी छूटत ओहो बीमारी छूटत कि नहीं छूटत कोनो गारंटी नहीं छे एक बेर इलाज करे जाब आ नहीं भले तब डॉक्टर कहा जे दोहरा के फेरो आ वीडियो एक्सरे करो कौन कारण से ई दवाई काज में गलग अहाँ के जान भगवान के कथा का आरंभ कलखिन अखनो कतौ कतौ देखबे सात गो पोर के बांस गाड़ दे छे ब्राह्मण सब भागवत कथा में कह जाए में प्रेत ए बेटा कर दे बोलो राधे राधे अपना संग नहीं गाने छे वो तो ठाम धुनकारी प्रेत रूप में रहे सात गो पोर के बांस एकटा बेसिए पोर के रहे एकटा बांस राखल रहे ओठाम तो प्रेत का कतौ नहीं भेटले तो वो बांस में घुस गेले देखो बहुत मार्मिक कथा में हम सब छी विचार करे के बात छी जे श्रीमद ही श्रीमद भागवत कथा के अर्थ की होय छन और के सब सुनने रहतीन आ सुन के हुनका की लाभ भेल अरे मानव जोनी के तो बात छोड़ू जब प्रेत घुस गेले ना बांस के पोर में पहलका दिन के जब कथा भेले ना तो एक टा पोर फट गेले आवाज भेले एकटा बांस के पोर फाट गेले ने दोसर दिन के कथा में दोसर बांस के पोर फटले ने और दिनांत रक्षिता गाथा तदा चित्रम बबुवार आ बंसक एक ग्रंथी ग्रंथी माने गिद्ध बंसक एक ग्रंथी भेदो भूत
शतम पशुताम शताम एकटा गांठ जे फूटे छलै ने तऽ जेना एकटा पटक्का के आवाज आबै छै ताहि तरह सब केओ आश्चर्य होइ छलै ने दिव्य रूप जड़ो जातस तुलस सीधा मधुमंडिता दिव्य रूप धारण कर लेलखिन वो प्रेत जोनी से मुक्त करके आ दिव्य रूप के प्रदान कर लेलखिन के धुंधकारी भगवान कथा सुन करके आना नाम पीत भाषा घनश्यामो एकदम पीत वस्त्र साक्षात भगवान के रूप भा गए हिंकर जम के दूत दुई गो अपने सबके श्रवण कर हर चीज दुई गो तहना जम के दूत जो आवे चार गो हाथ बड़का बड़का दांत बड़का बड़का नौ विशाल शरीर बड़का बड़का सिंह जे देखिए के डर भ जाए जम के दूत और भगवान के भक्त के वास्ते जे आवे छे ओकरा कहे छे विष्णु के पार्षद हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन इन बोथ भगवान के जे दोनों टा पार्षद में की छे एकर रूपे अलग छे बड़का बड़का सीन छे हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन है दोनों के बीच में की अंतराल छे तो जमदूत के बड़का बड़का सीन बड़का बड़का दांत देते ते मोट के रस्सी बड़का बड़का मुगदर बड़का बड़का सांप शरीर में लटकल आ भगवान के जे पार्षद छे साक्षात विष्णु चतुर्भुज रूपे न शंख चक्र गदा धरम हुनका हाथ में शंख चक्र तमाम विष्णु भगवान के लिए जखने से भगवान के कथा आरंभ होइ छलै न आ जाबे तक विसर्जन होइ छलै हम सब आग्रह करै छी भगवान के प्रसाद लो के जाओ तो आज ये कथा के पुण्य छे उ संपूर्ण फल प्राप्ति कर विद्यार्थी 30 मार्क में पास से अगर 28 नंबर तक लिख दल गया तो नंबर तक गले मुदा पास मार्क नहीं उठते क्या भगवान कथा के भगवान के चरणामृत प्रसाद दिला के बाद इनकर अजिका कथा के पूर्ण प्राप्ति फल प्राप्ति हो भगवान कथा में अन्य नाना किस्म के जे पाप के न छे अगर भगवान के कथा श्रवण के लिए तो तत्क्षण आज तक के पाप अहाँ के प्रमुख जते आगे सारा पाप नाश भ जात भगवान कथा श्रवण कला से भगवान के कथा में ई गुण छे अपने सुनलिए जे भगवान के श्रीमद् भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य के मुक्ति भले भगवान के बोलो राधे राधे अपना सबके कतेक मार्मिक स्थल में कथा आयल छे जहां प्रेत के वास्ते विमान लेने तो कहे छे जे विमान में जाइए गो आदमी बैठे के गो सीट से किया तो ओकरा वास्ते एले ना आर दोसर के वास्ते तो एक गो बैठ जते तो दोसर सीट खाली बोलो राधे राधे वेहन गाड़ी से ले पहने भगवान के पास में आ देखो एक गो आदमी बैठ गेले तो दोसर सीट खाली एक गो सीट खाली छे गोखा में पूजा छन जे सर्वनंग सम भागे ना सब को है सम भाग माने सम माने बराबर एक रंग सब को सुनल की ने भगवान के कथा सर्वे सम्यम दृश्यते आ फलम भेदम कुतो जाता ई फल में भेद किया भले ने जे एक गोटे के वास्ते विमान लान आ प्रवरंतु हरे प्रिया हरे दासा उच्च भगवान के पार्षद का चान जिस बन्न से तंगना पकाना नहीं तंगना दसों दिशा में जैठाम अरे आहां ते जे बुझ रहल छे जे आहां ते जे बुझ रहल छे ततबे ने करबे मुदा
भगवान के कथा जो श्रवण करबे तो दसो दिशा के अमंगल के नाश कह जात। जे अमंगल अहा कल्पना नहीं केने हेबे जे एठाम अहा के नुकसान हाथ से अहा सपनों में नहीं सपना धरे आ से फायदा भ जाए। एकदम भागवत के कथा हो चले ना चली एकदम दू मिनट के दृष्टांत से सरकार भागवत के कथा हो चले ना आ दू गो पार्टनर एक पार्टनर मलेशिया चल गए तीन वर्ष में बहुत टका कमेल के आ मलेशिया में की बोले ऐठाम जो सात्विक विचारधारा के रहे ओहो गड़बड़ भ गए आ ओठाम से बहुत रुपया कमा के अले कहलखिन चलू राज विराज या पात्रे बाजार संगे कलखिन मुदा ई सात्विक विचारधारा के लोग ओठाम अपन चाय नाश्ता वगैरह भले उमर से गलखिन है तो कहलखिन चलो एक पैक ले लेबे पैक अंग्रेजी शब्द छे माने दारू के बोतल के एक पैक कहे छे हमहू सब ने बुझने रही आइ काल्हि में बुझलिए जे एक पैक माने दारू के एक गो बोतल होइ छे एक क्वार्टर कहलखिन चलो दुनू गोटे एक एक पैक के ले लेबे कहलखिन नहीं नहीं माफ करू हम शराब नहीं पीबै छियनि तो कहलखिन तो एक काज करू तब अहाँ को हम बैसू आ हम एक टक लेने आबे छे बोलू राधे राधे आ सब कहे राधे राधे और तब तक मैं ये भागवत के कथा एना हो चले ना कहलखिन हम भागवत के कथा श्रवण करे छे अहाँ जल्दी साहब आप बैस गेलखिन आप बैस गेलन तब एक टक ओठाम तब तीन गो चार गो पार्टनर सब भेले रहे छे हिनका तरफ से चल ले तब हिनका तरफ से चल ले हिनका तरफ से चल ले हिनका तरफ से चल ले घंटा ले गले तब तक मैं भगवान के कथा विसर्जन भले ये प्रसाद पावन की ना उमर से हो गए कि भगवान के कथा में एतेक प्रसाद के वास्ते हम जीवन कमबे छी पाई कौड़ी के कम रहबे न करें अब समय दोनों मुर्ते चल रहे भगवान के गार दे छथिन करे कहा तुम्हारा भगवान भगवान जो मैं हूँ अभी 500 रुपया खर्च करके आई हूँ आया हूँ तुम्हारे पास में 10 रुपया भी नहीं है क्या तुम भगवान को नाम लेते हो मेरे पास। अब मेरे ओकरा प्यार में ठोकर ले गेले कने ब्लड खून निकल गेले प्रेम से बाजो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो भगवान कथा सुन वाला के प्यार में ठक्कर लगे छे आ गार पढ़े वाला के रुपया भेटे छे। हनुमंत लाल जी जब प्रस्थान केलखिन है ई बात देखलखिन है बड़ा उदास भ गेले चिंता मार गेलन जय राम भगवान के कथा के सुनते भगवान के कथा सुनने वाला के जे रुपया भेटती है तो कहलखिन वो चार गोटे के लाइन के कहते चलो भगवान के कथा सुन बंद रुपया भेटे छे मुदा ठोकर ले गेले भगवान मैया जानकी भगवान राम आसीन छे हनुमंत लाल जी पहुंचले में बड़ा हिंगत उदास से खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहां इनका चेहरा उदास लेना भगवान जी बुझ गला कहता हनुमंत लाल जी आज पता चलता है कि तुमको प्रसाद में तोरा कटौती हुआ है कलखिन सरकार अरे तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास देखते हैं कलखिन सरकार प्रसाद के वास्ते हमारे चेहरा उदास नहीं भले न तब कलखिन आए बड़ा गड़बड़ भ गए की गड़बड़ भगवान के कथा जे सुन के तकरा ठक्कर से गेले आ जे भगवान के गायर देलखिन तकरा रुपया भेट गेल धाम पकल छे आ कोन में पानी खोरा काटबे ततबे देख रहल छिए मुदा भगवानक कथा सुनला से नाम जपत मंगल बेसी दस हो दसो दिशा में कल्याण भ जेते आ सब प्रसाद लइए के जेबे बोलू राधे राधे। अब कहलखिन हिनका सबके निष्फल नहीं भले तब पूर्ण रूपे हिनका सबके विमान नहीं अल थोड़े संचित और नाना किस्म के कलेश से मुक्ति भेटे भगवान के कथा श्रवण कला से प्रेम से बाजो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तोरा गोकर्ण के भाई जे धुनकारी छले ना ई श्रीमद भागवत कथा के लो के आ स्वर्ग के पलायन भ गए डायरेक्ट हिंदा मोक्ष भेटलन है अना क्या कहते जे क्यों अब भगवत भागवत की कथा कौन तरह सुनल जात अना मंडप बना के भगवान के प्रतिमा पूरा कह के आ 7 दिन निराहार के व्यवस्था छे यदि निराहार नहीं रह सके तो फलाहारो करके भगवान के कथा सुनल जाए और 7 दिन यदि अहाँ भगवान के कथा श्रवण कर लिए
से एकाग्र चित से निश्चित सुखदेव जी का ज्ञान जनिगम कर्म त्रोर गलितम फलम जना ओल के खेती नाश भ जाय छे कार्तिक में शीत में तहिना भगवान कथा श्रवण केला से शरीर के सारा पाप गल करके नाश भ जाय छे। अब आकर्षण निर्मम मातृम श्रद्धा श्री कर्तव्य कलो अनव में तो नमस्ते चक धारम सुखो करोता परीक्षितम विश्रांत चक्रो वर्त चंद्वे। आखर मास के शुक्ल नवमी के गोकर्ण जी कथा सुनने राखी भागवत कथा के दुख श्रीमद भागवत कथा करकिन कहिया सुना जाता जसमिन कसमिन दीना ने इसी लगले जैया जैया तैया भगवान के कथा जखनी कखनो भी भगवान के कथा सुन सके छे परीक्षितम वृंदावन पे चकले वर्ष सत्तर हो असुदे सुदो नपद्यां जो देनु जो कर्तव्यां में कार्तिक शुक्ल नवमी से शंकाती ऋषि कथा आरंभ कर चलकिन सदन सुखदायक श्री राम जय राम जय जय राम बसहु बंधु सिय सह रघुनायक श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बाज वृंदावन बिहारी लाल की पहचान जे हे नाथ आहा एक टोकरा हृदय में बास करू आप दोस्तर जकर आंख मोर के पंख जका मजूर के पंख में जे आंख रहे छे वो कखनो न मुनाय छे पंखा पंखा का आंख कखनो मुने ते सरकार उत ने तैना भगवानक पिक्चर पर भगवान के मूर्ति पर भगवान के कथा में भी वो इन्हें ध्यानस्थ रूप से जे देख के भगवान के प्रतिमा के वही ना अंतरात्मा से जे देख रहा थे जेकर आंख में मुनाए वेन जे भक्त थे शिया बंधु सहित शरद नायक जानकी जी सहित लक्ष्मण जी संगे अपनाए ओकरा हृदय में बास करू। ई भगवान के कथा केन श्रोता लग में भगवान के पठवे जान वाल्मीकि ऋषि मानस में ते ई भगवान के कथा जे जे भाव से जे जे किसिम से सुनबे ओकरा ओहने पुण्य हेते। तब आप क्वेश्चन कर रहा जे ओहना सुन लेल के बोलू राधे राधे ओ छे तिल निकल के ना जे राम तिन कर पाप पुंज समुहाई श्री राम जय जय तिन कर पाप पुंज समुहाई ताय कुभाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिश दस हो हाफियो करत काल यदि भगवान के नाम ले लिए राम राम कही जे जमुहाई जमुहाई मन हाफी कते को तते को हम नहीं ठीक राम करे जे ना भोर के वो ना अगर भगवान के नाम लो ले लिए तो आहा के पाप के समूल नाश भ जाए मुदा पाप के समूल नाश करे के वास्ते तो अपना सब के नहीं लिए निकल के ना जे मानुष जन्म दुर्लभ यति अरे मानुष जन्म दुर्लभ यति होत न बारम बार जस तर बर से पात झरे बहुरी न लागे डर मनुष्य के जन्म इतने कठिन से दोहरा के पावना मुश्किल से और चुनौती देखी न कभी जे बारंबार मनुष्य तन पाना अरे बारंबार मनुष्य तन पाना बच्चों बाला खेल नहीं आज जन्म जन्म का शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं जैना उन्हें 90 पैसा में रुपया ने भेजते थे नहीं देख लिए अपना सब के चार गो सनक सनंदन सोनक संकादी ई चारों डारी से जैया ब्रह्मा के सृष्टि भले ने तो मानव सृष्टि करे के वास्ते इनका सब के बना गेले ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न छे ई सब की कलकिन है तो चल गए तपस्या करे के वास्ते आ वरदान में 5 बरस का अवस्था मांगलखिन ई बालू जो सब दिन 5 बरस का अवस्था में चले सारा चीज की जानकारी चलन के तो 5 वर्ष के बच्चा के काम देव से संबंध में रह जे त्या 5 वर्ष का अवस्था मंगल के सनक सनंदन संगादी सोनक जी इन चारों का बाल के आई ना
पांच बरस के अवस्था में एक कमंडल एक झोड़ा भगवान के चानन के न चल दिल की न देखल की न दू मंजिला मकान धनी के जका बुझेल अखनी तो बहुते मकान भले है मुदा कुछ दिन पहले कमे मकान रहे तो सोचल की एक से किछ मांग ली बोलू राधे राधे आ कि एना के ढक ढकल की न महात्मा जी कल की अरे कोई है तो निचला तला में तो कोई न रहे ऊपर से महात्मा के आवाज सुनल की न तो बड़ा सुंदर बुझेल बच्चा के आवाज चले मिठगर बुझेल तो कनिया झाल खोल के देखे एना झाँक पड़े देखल की न एक बच्चा एकदम चांदन के न मालाधारी हाथ में कमंडल एकदम साधु बेस में हाँ इनका दया हेल गए कल की सरकार अरे ई उम्र छे कतो बाबा जी के बोलू राधे राधे अखने जो कनी पुरानो भागल छे आ कहियो बाबा हे आप तो तोहर उम्र कनी लेक चाहिए गला वैष्णव भजा भगवान भक्ति में नहीं रहो अखन में कुछ दिन और देखे छे एक बेर हमर पोता के मूरन करे ले छी खासी रखने छे मूरन के बाद में हम वैष्णव हे ई खासी ताबे चढ़ा के गोविंद नमो नमः बीचे में मुड़वा के प्राण चल गेले पोतो का मूरन छूट गेले खासी छेबे करे ताबे इनकर आत्मा सुलेमान भ गेले मुदा उ बच्चा के कहे छन दुल्हीन जे बउआ आके ई अवस्था ते नहीं छे बाबा जी हे वाला अरे सब तह के अवस्था है छन उनका मने जे कम से कम वृद्धा चौथा पद में बाबा जी हुए सेने कैसे भक्ति कर ले भैया तू जवानी में यदि शरीर कखनी जहिया से घटने को बढ़ने कहे अपना कैसे बउआ जमान वाले सब बात जानकारी है अपने के मुदा प्रत्येक दिन 100 वर्ष का आयु है अहाँ के पांच बरस बीत गए तो पांच बरस घटिए न गए पांच बरस एकदम डे बाय डे दिन अनुन दिन आयु घटल जाए छे अपना सब कहे छे बरखा जमान वाले एवरी ही करवे और का ही करवे तेसरा किनाई करवे आ प्रत्येक क्षण क्षण बीतल जा रहल है त महात्मा कालकी में जे बउआ ई आयु के कते गारंटी छे आ के एतबेक में बुझ गेलन प्रणाम करे छे ना कालकी ना कन्या दुल्हीन की कहे छे जे भगवान मेरे गृह में अरे भगवान मेरे गृह में बासी भात नित खाही आप सरीखे जो मिले निज मुख लिए जाही आ एते काल जे कन्या दोसर गोरे से बात करे छे तो उनकर सास आब के ई तो झाल खोलना छे बेचारी आ वे का सुने छे गेट से जवान छे बेटा हिनकर कॉलेज में रहे तो पर पूरा निगरानी देने रहते सास के जे कर्तव्य छे ई सुन लेल के जे कहे छे जे हमरा घर में बसी भात खीबे छे बोलू राधे राधे भगवान कहबो कल के से आज भगवान मेरे गृह में बासी भात नित खाही आ आप सरीखे जो मिले निज मुख लिए जाही कि दन मांग ले छे आ वहना वापस चल जाए छे ठाम से किछ मिले वाला नहीं छे बाबा अगर गुड बात है सुनर की ना तो महात्मा के बुझे ले जी हमार जाइत छी माने यो सत्संग के रमल व्यक्ति छे कल की बुआ कते आयु है यहाँ के तो कल की जे बाबा हमार आयु 12 बरस के छन आ कल की ना के पति देव के तो कल के पति देव का आयु 2 वर्ष के बोलू राधे राधे कहू 12 वर्ष के दुल्हीन के 2 वर्ष के बच्चा सब विवाह भेलै है कते आश्चर्य के बात छे क्या इनका जो सास चले न कानक बाजत गलन अपन बुढ़वा के काल के ने जे सारा की सुतल छ एना को ठेल दिन कते सुन पर सारा घर के भेद खोल के निंदा क के बर्बाद कर देल के आए के पुतो किया पर के छले ने छले झाल खोल के कह छे हमरा कान कान के कनी ठेलिए देल के बोलू रहते रहे कान कान के कह छे जे हमरा बसिए भात की भइए हां और काल के की ई जा बुझल के सब बुढ़वा के सुनबे छे अपना सबसे जेठ की दन हम ही छे हमर 12 बरस के आ बउआ दा 2 बरस कहल के हमरा दा 6 महीना आ तोरा दा कहल कखनी जन्म लो न छे बोल राधे राधे बुढ़वा के एतेक तामस रहल में लाठी लड़के है आ छूट ले ओकरा पर बाहर से घर लगल है एन मार लके कन्या हवर हवर त सब पलंग से जावत जाए गेट खोलत आवे दो तीन बेर एन मारा पड़ ले ओकरा प्यार से लात मारे छे
घर खोलू की दम घर खोल लगे अपनी दाद में आ लाठी जे रहे से जतेक डेंग ब सकल के खूब पिटल पिटल के मुदा सत्संगी के पुत्री चलन ससुर कतबो मारलके तो हुनका आह नहीं लेन कतो दर्द में भले लेकिन तैयो रही रही की इनके याद आवे छे ना हमर जन्मो ने भेलते हैं बात दौड़ के गले ने बेटा लगे इनका अपना मायर से संतोष नहीं भले गले ने बेटा के बजा के लावल की ना पति बर्ता नारी आरती करे छेन स्वामी के कलकिन है आहा में पड़ दो साधु के घुमा के लो कहवे उनका जो हमरा घर में झगर लगा के लिए है तबे वो वापस है तब तक मैं सारा नगर में ही बात मिथ्या बात के फैला गए देखो बाबा जी एकरा ऐठान कनियटा जो रहे से झगड़ा लगा के चल गए इंग्लैंड तब तक मैं साधु सागर में स्नान करे से कल के न जाए सरकार हमारा ऐठान बहुत बड़का झगड़ा लग गया अपने चल करके निरूपण कर जा आठ सन चल तो काम महात्मा दयावान हो छन वापस अवन हिनका संगे संगे एकटा ऊँट चल आबो तेतरूटा टोल में फैल जेते लोग भगवान कथा में कमे छे ओ बाबा जी के संगत में कौन बच्चा कौन बुढ़िया आ कौन पंच आ कौन मुखिया सब चले लेकर दरवाजा पर लोग बैठ गए आप बोलवा थर थर कापे छे जे की सब का की जाने गेले आया अरे साधु के मर्म की जाने गेले ज्ञाने मारे ज्ञान से बेवधा मारे तीर सतगुरु मारे शब्द सा ते भीजे सकल शरीर ज्ञानी के कदर ज्ञानी बुझे छे की जाने गेले जे महात्मा के की बात होय छे इनको हुड़ा थेले चाहे छे जल्दी बता तोरा की सब कहल को ई कनिया अब गांव के लोग बैसल छे सब जो शान कलकिन और महात्मा सागर कलकिन ओठाम के प्रमुख मुखिया जी कलकिन तो महात्मा कहे छे जे हम किछ ने हम ऐठाम धनिक मनिक व्यक्ति बुझ के चाहिए जे भगवान के वास्ते कुछ मांग ली अरे साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं और धन का भूखा जो फिरे शो तो साधु नहीं हमरा भगवान के वास्ते कुछ भोजन मिल जितना हम परमार्थ के वास्ते इस धनिक जैन के हिम इनका से मांग लिए यार ते कन्या हमरा काल की नज बाबा ई उम्र तहां के साधु बना जोग नहीं है तो हम इनका जवाब देंगे जे ई उमर न जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश कखने ऐ शरीर से ही आत्मा निकल जेते कर कोनो गारंटी नहीं छे त्या हम ऐ अवस्था में मनुष्य के जोनी प्राप्त केना है कहलो ना बारंबार मनुष्य तो भगवान राम हुनका पूरा करक वास्ते पिता वचन के पूरा करक वास्ते वनवास से गला आठम भगवान कृष्ण के यशोदा मैया कहे छे तुम चोरी मत करो आग से चोरी नहीं करना है तो बिहान वन भगवान और बहुत से गोटे के लड़का जे कोई शिकायत करे आवे छे तकरे घर में डेरा डाल दे बोल डेरा दे तो ई अंतर सबसे भगवान सब में एक एक गो काम के वास्ते भगवान अवतार ले लै छथिन तो केकरा केकरा वास्ते अवतार ले लखिन है या परिपूर्णतम अवतार पूर्णतम अवतार अंशा अवतार अंशा अंश अवतार कला अवतार और आदेशा अवतार इन छह गो सिस्टम भगवान के अवतार को होइ छन ऐ संबंध में काल खान हम कथा करबे अपने सब से हमर आग्रह निवेदन जे कनी सवेर से सवेर सुनिए लेलिए भगवान के कथा में दुई दिन बीते गेले आप पांच दिन एक दिन लास्टे लास्ट रहते चार दिन काज पे सब दिन से काल खन भारी वर्षा भेले या चार दिन पहिने तो आठ दिन ककरो कोनो काज नहीं भेले भेले वाह काट लो जे पांच से सेहो खेत में रह गेले बर्दाश्त के लिए नुकसान के बर्दाश्त के लिए भगवानक कथा मात्र दुई घंटा तीन घंटा श्रवण करबे तो कते पुण्य हैत जे नाम जपत मंगल दिशि दसहु दसो दिशा में जैठाम अहाँक देखै छियै जे ई मूरे उपजेबै तऽ दस टके किलो बीस टके किलो बेचबे अरे जैठाम अहाँ नहि देखै छियै वह ठाम फायदा भऽ जायत ई भगवानक कथा में से गुण छै तैं एहन सुंदर कार्तिक मास आ तहुमे आय
नमी तिथि छे अब छे नमी आय अब छे कते सुंदर समय भेटल है कथा श्रवण करे के वास्ते अब छे नमी छे अब छे माने छे और अब छे दुई गो साल में दुई गो दिन है छे एक दा बैसाख में अक्षय तृतीया आ कार्तिक में अक्षय नवमी आजका दिन जे पुण्य करबे ओय में से संचय कोष जना संचय कोष में सांस बंदो नहीं लगे छे आ तो और पैसा जब बैंक में जमा करने छे ओय मांस बंदा न्यायाधीश लगा देत मुदा संचय कोष वाला में अंश बंदा नहीं लगे छे तहिना आज जे छी से अक्षय नवमी छी अजुका दिन जे अपना सब के भगवान के कथा श्रवण के लिए गुणानो पाठ के लिए भगवान के संकीर्तन के लिए ये अय में से कतबो पापो पड़ जते ओना की जे पाप अपन के तुलनात्मक कहल जाए छे आ पाप बेसी भेल त अहाँ के पाप के भागी बनबे पुण्य बेसी भ जात त पाप कर के पुण्य के भागी बनबे मुदा अजुका दिन में ई संचय कोष का ई पुण्य छै नै होइ छै ई अक्षय कोष छियै अजुका दिन जे भगवान के कीर्तन श्रवण के लिए तहिना काल भस्मी छै एकादशी छै दिन प्रतिदिन जे छै से पूर्णिमा दिन बहुत पुण्य दिन छै तैं अपने सब से आग्रह करबे एतेक सुनलिए आ लगातार जे सुनैत रहबे त रेस जोड़ल रहत जे और भगवान के कथा के जी पुण्य छै ओ भेटत प्रेम से बाजे वृंदावन बिहारी लाल की जयकार करना भगवान के हाथ ऊपर उठाओ किया कथा में एते गजा और ग्रह के कथा में एबे करते आगू में हाथी आ ग्रह के लड़ाई भ गेले पानी में जब हाथी चल गेले बहुते पानी में एक बांस पानी में चल गेले हाथी के लड़के ग्रह ते नमहर हाथी चले सूर ऊपर में उठल गए एक बेर फूल भेटले इनका ते सोचल के डूबते को तिनका सहारा फूले पकड़ के नोच लेल के भगवान जब से चलले ते रुक गेले भगवान सोचे छे जखनी जे हम जेबे ते कहते ई फूल पकड़ लेलिए है क्या नहीं सुने छे ते कहावत छे जे रोटी दल के से कोई नहीं आ नून दल के से बेचारी एकटा कनिया रोटी पकबैत रहे सौस के डर है एकटा भीख मंगा के चुपे चाप दा दल के रोटी किरण चल जा हमार सौस देखते सौस बड़ा झगड़ाले में डर है आ नून में दल के परोसिया अगर देखते रहे नून दल के कनिया नून दा दल के तो ख्याल दल के आवत जाके गाछ पर में बज ले आ फल नहीं नून दल के तो फिर पेट खेलो क्यों खा के दे रोटी दल के से कोई ना नून दल के से बचा लिया अरे रोटी वाला के गुना में बात करो बोलो राधे राधे भगवान सोचे थे जाखनी जब हम चल जबे तो बचा देवे हम है आकाते देनी कमल के डंडी पकड़ लिए त्या बेच गए जब वो टूट गए आ तैयो जब ने बचले तब सूर के ऊपर माथे उठा दल के माने सब चीज छोड़ दल के कहे छे हे भगवान नारायण रक्षमाम 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 तो भगवान की कह गई है गरुड़ के न लिए लागले प्यार के चप्पल न लिए लागले लिखल की ने जे गरुड़ छोर नंगे ही अरे गरुड़ छोर नंगे ही पांव पधारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे भगवान जना पाकल आम गिरे छे तैना गिर पड़ले ना ग्राह के ऊपर में है तो अपनो सब के जयकार दे में नहीं बीच में तो अंतिम अंतिम जयकार बने सब चीज जब भगवान पर छोड़ दे तो तुरंत गोवर्धन धारी भगवान अपना सब का सुन लेते प्रेम से राज वृंदावन बिहारी लाल की श्रोता समाज की अब एक बार खोल के देखा भगवान के कीर्तन आरती और भोग वही में भर देते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मैं जो बोल रहा हूँ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण Go, go, go.
प्रस्थान करने काल भगवान के विभिन्न Thank you.